ये बहुत ही मंदभागा होया जी। बच्चा कोई हैगा 10 साल का, आपके कोठे से पतंग डर रहा है। जिहड़ी पतंग वाली तार 132 kV नाल टच हो गई, जिस कारण बच्चे का काफ़ी सड़ चुका जी। गुआढ़ घर आया से अंदर बैठे से, बहुत जोर दी बिजली तारा जो सड़िया से बाहर निकले तो देखा कि अंदर उन्होंने अग लगी हुई है। आसे पासे घर भी नुकसान हो? हाँ, जो मेरा डा टोटली हो गया, आसे पासे काफ़ी होया। बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका इन्हों का, कला कला बच्चा। बच्चा सीरियस है जी, फरीदकोट रैफर करता सिविल वाले ने, बर्न ज़्यादा हो गया। पतंग उड़ा रहे 11 साल के बच्चे नाल दर्दनाक हादसा वापर गया। मामला मोगा के बेदी नगर का है, जिथे लविश नाम का लड़का अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ाते उसकी पतंग बिजली दियां तारां च फस गई, जिस तों बाद जदों लड़के ने तारां चों पतंग कढ़न की कोशिश की तो उसनू करंट लग गया, बच्चा 100% झुलस गया। बच्चा पतंग उड़ा रहा है जी, हाई वोल्ट तारा पतंग की डोर अटैच हो गई है, ब्लास्ट हो बहुत तगड़ा, तो बच्चे चौसिया काफ़ी बर्न हो गया सारा। तो लगता बच्चा जी? मेरे साली का बेटा जी। कितनी उम्र से? 11 साल का जी। कोई चाइना डोर वगैरह पता लगी? डोर तुहाड़ी पकड़ फर्क गया, डोर कड़ी सी। बच्चे की हालत किस तरह? बच्चा सीरियस है जी, फरीदकोट रैफर करता सिविल वाले ने, बर्न ज़्यादा हो गया। आसे पासे घर भी नुकसान हो? हाँ, जो मेरा डा टोटली हो गया, आसे पासे काफ़ी होया, सरकारी मीटर भी सड़ गए। कोई ब्लास्ट वगैरह भी? काफ़ी, हाँ काफ़ी वाला ब्लास्ट, काफ़ी घर का 8 से 10 घर का बिल्कुल सड़ के सुआह हो गया जी। तारा बिजलियाँ सब, इनवेटर पक्के, फ्रिज वगैरह, गरीब परिवार रेंदे है जी, इतने काफ़ी नुकसान हो गया इन्हों का। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।